हेलो तो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे एक सैमसंग एलईडी टीवी का कलर बढ़िया से मैचिंग कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो, यानी कि जिससे आपका आँख में कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो, कलर मैक्सिमम ना हो, मतलब कलर बैलेंस को जो है उसे कैसे एग्जैक्टली बढ़िया से कर सकते हो जिससे आपका पिक्चर क्वालिटी बेटर रहे। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर कर दो ऑल के निशान पर क्लिक, ताकि कोई नया वीडियो में अपलोड करो आप लोग तक पूरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं इसी तरह का वीडियो अपना चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं एक सैमसंग एलईडी टीवी है 32 इंच का। तो आज इसका कलर सेटिंग करेंगे, कैसे एक बेस्ट कलर आप इस पर सेट कर सकते हो जो कि आपका आँख में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी तरह का कि मैक्सिमम कलर रहने से प्रॉब्लम्स होता है आँखों पर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स बटन को प्रेस करना है या फिर मेनू बटन को प्रेस करना है टीवी का रिमोट पे, या पे देखिए साइड पे आपका जो मोड रहेगा कलर मोड, इस पर अगर यूज़र हो तो आप यूज़र पे देखे ही सेटिंग करना। इसमें यूज़र नहीं है, मैं स्टैंडर्ड पर रख के कर लेता हूँ। तो सबसे पहले या फिर ब्रेकलाइट जो है उसी को मैं ये 14 दिया हुआ इसी को थोड़ा फुल कर दूँगा, जो ये 20 के आसपास लगभग कर दूँगा। तो फिर इसका बाद में कंट्रास्ट को थोड़ा, कंट्रास्ट जो भी दिया हुआ है उसे 100 कर दूंगा। ये दोनों चीज़ को पूरा कर दूंगा लगभग। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस का लगभग 50 के आसपास। फिर शार्पनेस जो है इसे 20 कर दूंगा मैं, इसे थोड़ा कम ही करना बेटर है। तो इतना करने के बाद ये बस इतना ही था सेटिंग्स है जो आप अप एंड डाउन तो कर ही सकते हो। तो सेटिंग्स में जाके तो अभी एक बार कलर देखिए यहाँ पर कलर सेटिंग्स। तो ये सिंपल सा सेटिंग्स है, इतना खास कुछ नहीं है। तो इस कुछ कलर्स को आपको कम ज़्यादा करना है तभी आपको कोई बढ़िया कलर सेटिंग हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।